भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है और मैं आदित्य पंडित। देखिए, अभी मैं आप लोगों को कुछ अपडेट्स बताना चाहता हूँ। आज मेरी ट्रेनिंग चल रही थी और लगभग आज के डेट में 8-8 बजे मुझे अपडेट्स आ गए। अपडेट्स रिगार्डिंग ई इनवॉइस डिक्लेरेशन, ये एक अपडेट्स आया। पहले इनवॉइस डिक्लेरेशन में आपको अलग अलग पार्ट में दिखता था आपके टर्नओवर कितना है, आप 100 करोड़ से नीचे हैं क्या, या 100 to 500 करोड़ है, अबव 500 करोड़ है। अभी ये बदल गया है इंटरफेस, और इंटरफेस बदलने के बाद ये आपको टर्नओवर का डिक्लेरेशन आपको ऐसा देना है। यहाँ पे आपको क्या अपडेट करना है और किस तरीके से इसको आप करेंगे। अभी आपका प्रोफाइल यहाँ पे 90% हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 10% डिक्रीज हो जाएगा, और जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे आप कैटलॉग अपलोड नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। इसको प्रॉपर वे से हम कैसे अपलोड अपडेट करेंगे, देखिए तो आपको फिर से यहाँ जाना है। ये आपको ऐसा भी ग्रीन टिक नहीं आएगा, तो आपको इस तरीके से गए टर्नओवर मैक्स इन 3 ईयर्स, मतलब आपका टर्नओवर लास्ट 3 ईयर्स में मैक्सिमम कितना अमाउंट का था। मेरे कुछ स्टूडेंट का काफी फोन भी आए, सर मेरा टर्नओवर 0 है, मैं क्या करूँ। तो यदि आपका टर्नओवर, आपका नया कंपनी है, आपके टर्नओवर ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे 0 डाल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कैटलॉग वगैरह सब कुछ अपडेट कर पाएंगे, सब कुछ काम कर पाएंगे। या फिर आपके लास्ट 3 ईयर्स में टर्नओवर कितने मैक्सिमम, जो मैक्सिमम होगा। एज ए एग्जाम्पल, 18-19 को 10 लाख था, 19-20 का 20 लाख था, और 20-21 को 18 लाख था, तो आपका मैक्सिमम कितना है 20, तो आपको 20 डालना है, 20 लाख। अब यहाँ पे रुपीज में है तो आपको पूरा 20 लाख करके डालना है, 20 के बाद 50। यहाँ पे मेरा जैसे कि 0 है तो मैं 0 करता हूँ। उसके बाद कंप्लायंस में, इसके बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जब मैं यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे आपको क्या करना है। यदि आप जीएसटी है आपके पास और जीएसटी का पर रिटर्न वगैरह प्रॉपर वे से आप सब कुछ भरते हैं तो यस करेंगे। यदि आपके पास जीएसटी नहीं है या रिटर्न आपके बहुत टाइम से मिसिंग्स है, तो आप इसको नो कर सकते। इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, आप इसको बाद में कभी भी चेंज कर सकते हो, कभी भी आप इसको यस में कन्वर्ट कर सकते हो, टर्नओवर बदल सकते हो। जैसे मेरा 0 है, मैं इसको 10 लाख कर सकता हूँ या 1 लाख कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ, कभी भी इसको मैं चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे अभी 0 था और मैं इसको चेंज करना है, यदि आप यहाँ यस करेंगे तो ये डिक्लेयर कर सकते हो, नो करेंगे तो भी चलेगा। जैसे कि मैं पहला नो था तो मैं अभी यस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया और गेट ओटीपी। यहाँ पे मेरे पास एक ओटीपी आएगा और मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ये आपको मोबाइल फोन, ये ईमेल, मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी दोनों पे आएगा, दोनों में से कोई भी आप ओटीपी यूज कर सकते हो। उसको वेरीफाई, ओटीपी मिसमैच आ रहा है, वेरीफाई हो गया। इसको आपको सिंपली सेव कर देना है। तो ये जो नए अपडेट आए थे, ये आपका जैसे ही सेव करेंगे आपका प्रोफाइल ये 100% फिर से हो जाएगा और आप फिर से सब काम कर सकते हैं। अभी भी आपको बाद में कभी भी लगा ये चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर पाएंगे आगे, पर याद रखेंगे जितना आपका टर्नओवर है उतना ही डालेंगे, नहीं तो आपको कॉजन मनी फिर से भरना पड़ेगा। इससे कॉजन मनी एक बार जरूर चेक कर लीजिए जो आपको कहीं कॉजन मनी पे इम्पैक्ट तो नहीं हो गया, क्योंकि आपका टर्नओवर बढ़ेगा आपकी कॉजन मनी भी बढ़ेंगे। देखिए अभी तक मेरा थ्रेशोल्ड 5000 था, अभी भी 5000। ओके, प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, मैं अभी आगे कैटलॉग में कोई भी काम कर पाऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।